नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो आपको पता ही आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है, बट आपको क्या करना है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है किसके, राइट हैंड साइड को। देखो सबसे फर्स्ट हम इसको उठा लेते हैं राइट हैंड साइड, ये दी हुई है राइट हैंड साइड, इसका मतलब बीच में किसी चीज़ का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई इससे करें। किस तरह से करोगे, सबसे फर्स्ट एक्स की इन सब के साथ, उसके बाद वाई की। एक्स की करोगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स की इसके साथ करोगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई के साथ करोगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई की इसके साथ करोगे प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई किसके साथ करोगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और वाई की वाई के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई की वाई स्क्वायर के साथ करोगे वाई क्यूब। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का ये माइनस किसके इक्वल आ गया, और ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 m³ माइनस 343 m³। 64 किसका क्यूब है, 4 का, इसको क्या लिख सकते हैं 4 m³ माइनस ये किसका क्यूब है, 7 का, 7 m³। अब देखो क्या आइडेंटिटी बन गई, a³ माइनस b³। क्या आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ की, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है 4m, बी का काम कौन कर रहा है 7m। ए माइनस बी 4m माइनस 7m, ए स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, बी स्क्वायर 7m स्क्वायर प्लस ए बी। ए का काम कर रहा था 4m, बी का काम कर रहा था 7m, ये तो एज इट इज। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर 28m। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ माइनस z³ माइनस 9xyz। अब देखो 27 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का, ये हो गया आपका a³, ये था b³, ये c³ माइनस 3 a का काम 3x, b का काम y और c का काम z। अब आपको पता है आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। क्या आइडेंटिटी थी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो a का काम कौन कर रहा था 3x, a प्लस बी प्लस सी a, b का काम y, c का काम z। यहाँ था a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी का काम कौन कर रहा था जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए का काम 3x, बी का काम वाई माइनस बी सी माइनस सी ए, सी का काम जेड और ए का काम 3x। इसको खोलोगे ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। वेरीफाई का मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। देखो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे राइट हैंड साइड को,
राइट हैंड साइड में दी हुई थी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखो x माइनस वाई का स्केयर, ए माइनस बी स्केयर, फॉर्मूला क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नेक्स्ट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नेक्स्ट क्लियर, यहाँ देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स स्केयर प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर, इसी तरह से वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या बन जाएगा 2y स्केयर, जेड स्केयर प्लस जेड स्केयर, एक जेड ये रहा एक जेड ये रहा, जेड स्केयर प्लस जेड स्केयर 2z स्केयर माइनस 2xy 2yz 2zx। अब देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2, अगर इन सब में से बाहर 2 कॉमन निकालो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ सब जगह से 2 क्या जाएगा हट गया 2 कॉमन आ गया, अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, अब आपका क्या बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपको पता है आइडेंटिटी है किसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और यही आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन में लिखा है इफ, इसका मतलब ये आपको गिवन है और आपको क्या शो करना है, ये कैसे शो करोगे, सबसे फर्स्ट आप क्या लिखोगे आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही आइडेंटिटी है। अब क्वेश्चन में दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसकी वैल्यू 0, 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल हो गया 0 के। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू उधर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा प्लस 3xyz, ये आपको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इसके बिना क्यों फाइंड आउट की, किस तरह से फाइंड आउट करोगे। देखो ये क्या था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अभी आपने क्वेश्चन में प्रूव किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल था 3xyz के, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3xyz, 3x का काम कर रहा है माइनस 12, y का 7 और z का 5, जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको फाइंड आउट करने लेंथ और ब्रेथ और आपको एरिया दिया है रेक्टेंगल का 25a² माइनस 35a प्लस 12, देखो कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते थे, फैक्टर बनाओगे प्लस माइनस, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं मतलब ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं कि जब उसे प्लस माइनस करूं तो मुझे मिले माइनस का 35 और मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 300। अब ऐसे दो नंबर आप ढूंढोगे क्या बनेंगे वो दो नंबर, माइनस 20 माइनस 50 ऐड करोगे माइनस 35 और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 300, ये दोनों बन गए फैक्टर। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5a, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3, क्या फैक्टर बनेंगे 5a माइनस 3 और 5a प्लस 4, और एरिया होता क्या लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया, इसका मतलब लेंथ तो क्या हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ क्या हो जाएगी
फाइव ए प्लस फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या कॉमन आ रहा है, थ्री बी कॉमन आ रहा है, एक्स बी। क्या बचेगा, एक्स माइनस फोर। ये क्या हो जाएगा लेंथ, ये क्या है ब्रेथ और ये क्या है हाइट। क्लियर, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2।